lifestyle into the Madani environment. So what difficulties you face or what you have in your mind, like, you know, it would be helpful that people who would think, you know, it's very hard to change our style, we are in this way and it's going to be too hard for us. Just let us know so we will think about it. The people will think it's very hard, they will think about it to know we can do it. The change is easy, but you have to make up your mind. So just let us know the criteria you have. एक शेर बाबा ने बाबा से कहा, उठ बान कमर क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है। तो ऑब्वियसली जब आप कोई बड़ा काम करने जा रहे होते हैं तो मुश्किल तो आती है, आसान कितना बड़े रिवॉर्ड्स हैं पहले आप उनको तो देखें, मतलब कितने बड़े रिवॉर्ड्स आ गए हैं जिनको आप पाने जा रहे हैं, को अचीव करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत कभी टेस्ट भी होता है, बंदे को टेस्ट भी किया जाता है, उसका स्कूल का इम्तहान भी होता है और उसको घर वालों की तरफ से भी प्रॉब्लम्स होती है, उसको फ्रेंड्स की तरफ से भी प्रॉब्लम्स होती है। मेरी तो गैदरिंग ऐसी थी सारी कि मतलब गर्ल्स एंड बॉयज सारे जो मामला पिछले जो भी थे, अब उस गैदरिंग के अंदर में दाढ़ी रखना या फिर ऐसे माहौल के अंदर एडजस्ट होना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, अल्लाह अज़्ज़वजल की तौफीक, मदनी माहौल की ये बरकतें। और जब हम टारगेट पर नज़र कर लें, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट अर्ज करता हूँ कि अगर टारगेट पर नज़र आ जाए तो फिर ये सब चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं। घर से भी प्रॉब्लम हो सकती है, घर वाले भी इश्यूज खड़े कर सकते हैं, यार क्या तुम मौलवी मौलाओं में जाके बैठ रहे हो, क्या बोलो। ऑब्वियसली इल्म की कमी की वजह से, दीन से दूरी की वजह से ऐसे ऐसे माशाल्लाह कलिमात हमें अपने ही लोगों से सुनने को मिलते हैं कि कभी कभी बंदा डिसहार्टेंड हो जाता है। लेकिन हमें डिसहार्टेंड होना नहीं, हमें अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। ये मदनी मकसद हमें दिया है, इसी मदनी मकसद के तहत हमें जा रहे हैं। तो वो फ्रेंड से भी यार क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों ने बोला इसको पता नहीं क्या हो गया, इसका ब्रेन वॉश कर दिया, किसी ने बोला इसको पता नहीं क्या हो गया, ये पागल हो गया, किसी ने अप्रिशिएट भी किया कुछ लोगों ने। हर तरह के लोग मिले, कहीं भी कुछ लोग थे यार क्या कर रहा है तू, करियर छोड़ के तू कहाँ जा रहा है यार, तू रुल जाएगा, तू ख्वार हो जाएगा, और ये पहले होता है, और मोजी और रिस्क जो है ना, मतलब रिस्क की डेफिनेशन ही कुछ छोड़ दिए लोगों ने ना, रिस्क कमाना है हलाल और हराम की रंगी भी छोड़ दो, ये पहले और ये वो ऐसा हो, बड़े मामले तो थे। आपकी फैमिली से भी इशूज हो सकते हैं, घर से भी इशूज हो सकते हैं, लेकिन इन सब मराहिल को पार करके जब हम अपने टारगेट तो भी अचीव करना है, हम इंशाल्लाह इस राह पर जब आगे बढ़ते हैं तो जो कुछ हमें मिलना शुरू होता है वो मैं आपको स्प्रिंग बोर्ड्स में कर नहीं सकता है। क्योंकि अगर कोई दुनिया में अगर कोई नया कलर आया ना तो वो कलर आपने देखा नहीं, मैं आपको वर्ड से वो कलर एक्सप्लेन नहीं कर सकता जब तक आप देखेंगे नहीं उसको। अगर दुनिया में कोई नया फल आया उसका टेस्ट एकदम डिफरेंट हो, नॉर्मली जो फल जो फ्रूट्स हैं उनसे डिफरेंट टेस्ट है उसका, आपने कभी खाया नहीं तो मैं वो टेस्ट आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में, आपको उसको चखना पड़ेगा। इन द सेम वे जब आप मदनी माहौल में एंटर होंगे, प्रैक्टिकली उसको ज्वाइन करेंगे, जब मदनी इनामात पर अमल करना शुरू करेंगे, तो मदनी काफिलों में सफर करना शुरू करेंगे, जब इज्तिमाआत अटेंड करेंगे और जो बातिनी और ज़ाहिरी हमारी जो तरबियत बाबा अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु अलैहा फरमा रहे हैं, फरमाते रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जब हम उन रिसालों को बुकलेट्स को पढ़ेंगे, अपनी इस्लाह करेंगे और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि यार मिलता क्या है यहाँ पर। वो जो आने वाली इटर्नल लाइफ की जो तैयारी है सिर्फ उसी वक्त नहीं बल्कि यहाँ पर भी, हमारे जॉब्स, हमारे करियर, हमारी स्टडीज और व्हाटएवर जो भी हमारे साथ चीज़ें हैं, मामला हैं, उन सब में आज हम अगर दीन को होल्ड करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो मामला पहले से बहुत बेहतर हो जाते हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले जो एक लाइफ थी उसमें अजीब सी एक उलझन थी, एक कोफ थी, अगरचे पॉपुलैरिटी थी, अगरचे दुनिया घूमने को मिलती थी, बड़ा मज़ा आता था, 24 की जिंदगी थी, लेकिन जब रात को सोने आता ना बंदा, सोने के लिए लेटता तो वो सोचता है यार पता नहीं यार ये उलझन हो रही है, कुछ मिसिंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मदनी माहौल में आने की बरकत से फिर उसके बाद ऐसा एहसास होता है यार
अब मिला है मुझे कुछ, जहाँ मैं आना चाहता था मुझे वो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मिला है ना, ये स्टिल मैं फिर से इसको आपको बता रहा हूँ, ये जो मिला है ये जब जिसको मिलता है वो खुद ही उसको पता चलता है। तो मेरी आपसे ये मदनी इल्तिजा है कि खूब खूब मदनी कामों में बढ़ चढ़ कर एक्टिव होइए। और मदनी हमारे दो काम, दो मदनी काम है, कौन कौन से? मदनी काफिला और मदनी इनाम। तो इन दो मदनी कामों को इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल अगर हम थाम लें तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल हम देखेंगे कि हमारी लाइफ की स्टार्ट पर आती है। अभी मैं वो हिस्ट्री जब कुछ दिनों मैंने पहले बैठी मुसलमान की, जब आप लोगों में से बहुत लोग जानते हैं स्पेन के बारे में, बहुत लोग जानते होंगे हमारे वो जो इब्न हज़म से लेकर आज तक जितने हमारे स्कॉलर्स, आपने अगर उनकी पिक्चर्स देखी हुई उनके बारे में पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह वो दाढ़ी और इमामे वाले वो स्कॉलर्स थे, उन्होंने जो उलूम बनाए आज लोग उसको फॉलो करके जो है ना वो हम पर हुक्मरानी नहीं करते, वो इसलिए कि हमने अपनी बुनियाद जो है उसको छोड़ दी। ये सब चीज़ों का एहसास मुझे जब हुआ, जब जब मैंने वो ट्रांजिशन पीरियड मेरी लाइफ में आया, वहाँ से निकल कर जब मैं आया और जब मैंने खंगालना शुरू किया चीज़ों को, रिसर्च मारी, एक देखा कि हम मैं हूँ क्या यार, अपने आप को ढूंढना शुरू किया, मैं हूँ क्या, मैं क्या हूँ। इंसान अगर अपने आप को तलाश कर ले तो वो कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम सब ये कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को तलाश करें इंशाल्लाह। मदर माहौल हमें इसमें ऑब्वियसली बहुत बड़ा हमारा सहारा है, हमारा रास्ता है, जो रास्ता दिखाता है कि हमें चलना कैसे है। मुझे तो सिखाया दावत इस्लामी ने, मुझे चलना कैसे, उठना बैठना कैसे, इवन सोचना कैसे है, मुझे दावत इस्लामी ने सिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो गुमान कैसे रखना है और क्या मामला तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब भी आ जाइए, और आपने चेंज देखा है कि क्या थे क्या हो गए, तो हमें ये दावा दे मैसेज मिल रहा है इनकी लाइफ से जो चेंज आए कि हम भी आ जाएं। अल्लाह ने हम पर करम किया, अपने घर की ज्यारत का शर्फ बख्शा, अब हम दरबार रिसालत में भी हाजिर हैं। मेरे मीठी और प्यारे साथ बारगाह रिसालत में हाजिर होगी तो क्या ऐसा चेहरा लेकर हम हाजिर होंगे कि हमारे चेहरे पर आका की पूरी सूरत नहीं, जो हकीकत इन्होंने बयान फरमाई जितनी देर स्पीच की उन्होंने, इस हवाले से इसका हासिल क्या है, इससे हमने आउटपुट क्या लिया, सिर्फ बयान सुनकर और इनको दाद दे दी हमने या इनकी लाइफ पर गौर किया हमने, इनमें चेंज आ गया। जब इनमें चेंज आ सकता है, आप में क्यों नहीं आ सकता? मैं उन इस्लामी भाइयों को दावत दूंगा कि जो इस्लामी भाई हज पर आने के बावजूद अभी तक उन्होंने अपना चेहरा सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सजाया, मेरे मीठे और प्यारे से आपको कौन सा मकाम आया? खाना काबा की ज़ियारत हमने की, अरफात में हम हाजिर हो गए, अपना मुआफी अल्लाह से हमने करवाए और नियतें हमने की, अब दरबार रिसालत में हाजिरी का वक्त आ रहा है, अब ऐसा कौन सा मकाम आने वाला है और अब कौन लोग आएंगे जो हमें समझाएंगे? नबुवत का दरवाजा बंद हो चुका है, मीठे और प्यारे साहब आखिरी नबी आ चुके, अब अल्लाह के वली और अल्लाह तबारक व तआला की अता से जो मुबल्लिगीन है वो एक दूसरों को नेकी की दावत दे रहे हैं, तो हमें बताया जा रहा है, हमें समझाया जा रहा है, ऐसा ना हो कि वो वक्त निकल जाए, हमारे हाथ से चला जाए। जुनैद शेख ने बताया कि जब ये मामला हुआ मेरे साथ तो मैंने फौरन से नियत की दाढ़ी की कि कहीं दूसरे पल मुझ पर मौत वाके ना हो जाए, हमें से कोई नहीं जानता। अल मौत बाबू कुल्लू नफ्सी दाखिल हुआ, मौत एक ऐसा दरवाजा है जिससे हर एक ने दाखिल होना ही, जब ये तय है कि हमने मरना है और मरकर बारगाह इलाही में हाजिर होना है तो हम इस तरह हाजिर होंगे कि हमारे चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा नहीं होगी, नमाजों की पाबंदी नहीं होगी, गुनाहों भरी जिंदगी होगी, हराम रोजी हम कमा रहे होंगे, तो हमारा छुटकारा होगा कैसे मेरे वीडियो जाने से? आज हमारा यहां बैठना सुनना, इससे हम ये मैसेज दे कि हम अपने अंदर कुछ तब्दीली देखें, आज के इज्तिमा से इंशाल्लाह हम नियत करें कि इंशाल्लाह अपने चेहरे पर दाढ़ी मुबारक से जाएंगे।